कहानी है महान उपन्यासकार और इतिहासकार अमृतलाल नागर और इंदिरा गांधी की। अरे वही अमृतलाल नागर साहब जिनकी रचनाएं मानस के हंस, सुहाग के नुपुर और बूंद और समुद्र आपने तो बखूबी पढ़ाई होगा। इसीलिए हिंदी दिवस के मौके पर मैं आपको उनके ऊपर या यूँ कहो उनकी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको। बात उन दिनों की है जब संविधान संशोधन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सामने आई थी, तो दक्षिण भारत में इसे लेकर विरोध की लहर उठ गई। वे लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना जैसे खुद पर भार थोपने के समान समझने लगे थे। बस इसी समझौते को लेकर अमृतलाल नागर साहब इंदिरा गांधी पर बिगड़ जाते हैं। मैं स्टोरी स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बता दूं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी ने भारत की राजभाषा का पद प्राप्त किया। तभी से इसे हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं जिस भाषा के माध्यम से शासन प्रशासन का काम अर्थात राज का चलाए जाते हैं उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था उस समय हिंदी समेत 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, राजभाषा आर्टिकल 343 से लेकर 351 में वर्णित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। लखनऊ, अरे वही हमारा नवाबों का शहर लखनऊ, जो आपकी पसंदीदा जगह नहीं साहित्यकारों की भी संगम स्थली रहा करती थी। उपन्यासकार और इतिहासकार अमृतलाल नागर की तो लखनऊ में जैसे जान ही बसती थी। पुरातत्विक अवशेषों की जांच पड़ताल करना और उनका संग्रह तथा उनका विश्लेषण जैसे उनका शौक बन गया था। नागर जी का घर तो मानो एक तरह से चोटी के साहित्यकारों का अड्डा ही बन गया था। रोज घंटों महफिल जमा करती थी। बात उन दिनों की है जब इंदिरा गांधी केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं। दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर उनके समझौतावादी रुख से हिंदी के पूरे देश में पठन पाठन के पक्षकारों को क्षुब्ध कर दिया था। राज्यपाल लालजी टंडन ने ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख किया है जो मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि अमृतलाल नागर भांग का सेवन किया करते थे। एक दिन की बात है कि हिंदी को लेकर चौक में एक सभा थी। नागर जी आ गए और काफ़ी गुस्से में थे। गुस्से में बोले, लाओ मुझे माइक दो, मैं बोलूँगा, बताता हूँ कि हिंदी का क्या महत्व है। वह इंदिरा गांधी से खासे नाराज थे। ऊपर से भांग का नशा लगा कि कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे कि और समस्या खड़ी हो जाए। भांग की मस्ती भी उन पर चढ़ी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से उन्हें मनाया गया था। इसके बावजूद वह बड़बड़ाते रहे कि दुर्भाग्य है कि देश संभालने वालों को हिंदी का महत्व ही नहीं पता। इन्हें महत्व समझाना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि हिंदी का सवाल नागर जी के जीवन और मरण का अंतिम सवाल बन गया। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी किसी भी देश की एक ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और वो हिंदी ही होनी चाहिए जो पूरे भारत में बोली जाए।
और एक बात और कहूँगी फ्रेंड्स, मेरे नज़रिए से कि टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से तो अच्छा है कि अपनी हिंदी ही बेबाक बोली जाए और अपनी हिंदी को सुधारी जाए। जो हमें आता है उसमें ही सुधार किया जाए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।